जिसका मन होगा वो पढ़ेगा, जिसका नहीं मन होगा नहीं पढ़ेगा। या तो कह दीजिए और नहीं तो वैकेंसी दे दीजिए। सर ये सभी रेलवे के छात्र हैं? ये सभी रेलवे के, रेलवे के छात्र हैं आप? सभी रेलवे के छात्र। इतने दिनों से वेट कर रहे हैं वैकेंसी, 6 साल से वेट कर रहे हैं। वैकेंसी चाहिए रेलवे का, वैकेंसी चाहिए रेलवे। एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि सारे बच्चों का फेस ना दिखाते हुए एक बार नीचे दिखाइए इनका चप्पल, नीचे थोड़ा चप्पल देखिए। क्या एक मिनट, क्या इन लोगों को जूता, ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम है, इन लोगों को जूता पहनने का हक नहीं दीजिएगा? बिल्कुल। इन लोगों को काजू खाने का मन नहीं करता है, मंचूरियन खाने का मन नहीं करता है? आए बताइए, ठंडी का टाइम है, आई चोटा का टी शर्ट देखिए, एक भी लड़का सब हाफ चप्पल में है। ये बताइए, आपके पास रोजगार है जूता है, आपके पास इनके पास रोजगार है जूता है, मेरे पास रोजगार है जूता है, ये चोटा कब तक बेरोजगार रहेगा, कब तक ये हाफ चप्पल में घूमते रहेगा? इतना ठंडी में किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास जैकेट नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अश्विनी वैष्णव जी इन लोगों की बातों को सुनिए, और सबसे ज्यादा सभी टीचरों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे 30 तारीख के ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कितना टारगेट है सर इस बार का ट्विटर का? इस बार सबसे ज्यादा, इस बार सबसे ज्यादा ट्वीट होने की संभावना है, क्योंकि इस बार सभी टीचर साथ हैं। और हम यही कहेंगे कि कोई ईगो में ना रहे, किसी को अगर लगता है कि हम बड़े टीचर हैं तो बड़ा इन्होंने ही बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों ने जिनको बनाया है उनको उतारा भी है। तो कृपया अपने घमंड को त्याग करें और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, ये मुहिम मेरा नहीं है, ये मुहिम बच्चों का है। अगर आप बच्चों के साथ नहीं है, इसका मतलब आप धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। इसलिए सभी लोग बच्चों का साथ दीजिए। क्या आप लोग ट्वीट कीजिएगा रेलवे वैकेंसी के? इसके झा सर के बातों से सहमत हैं आप? ट्वीट कीजिएगा, इतना ट्वीट होना चाहिए, 50 लाख ट्वीट होना चाहिए। 50 लाख कह रहे हैं आपके छात्र के ट्वीट होना चाहिए, जितना हम तो कहते हैं उकरो ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, और चीजें सरकार तक पहुंचेगी। सरकार भी हमारी है, हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, इन बच्चों की बातों को सुनिए। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आप प्रधानमंत्री बन जाइए और कुछ होता है तो वो भी बन जाइए, लेकिन हम लोगों के बच्चों की बातों को सुनिए। और हम बड़ी वैकेंसी आईएएस आईपीएस का तैयारी है, ये लोग नहीं करते, ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, एनटीपीसी एएलपीसीबीटी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, और छोटी मोटी वैकेंसियां 30,000-35,000 की नौकरी वाली। अगर 50 लाख ट्वीट होने के बाद भी रेलवे वैकेंसी नहीं आती है तो उसके बाद क्या कीजिएगा आप? फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिएगा। अच्छा, मतलब डिजिटली नहीं रह पाइएगा, फिजिकल रोड पर उतर जाइएगा? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, इनको इतनी उत्सुकता है, 50 लाख के बाद भी अगर नहीं मानती है तो फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अभी हम लोग डिजिटल पर हैं और बाकी ये लोग हमसे बाहर नहीं है। अच्छा। जब तक हमारा आदेश नहीं होगा कोई फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करेगा। क्या रे आप, और एकदम नहीं होगा अभी तो फिजिकल प्रोटेस्ट। भरोसा है क्या कि वैकेंसी? भरोसा है कि हम लोग ट्विटर कैंपेन बहुत बार किए हैं और हम लोगों की जीत हुई है, इस बार फिर से हम लोग जीतेंगे, और फिर से हम लोग जो चाहते हैं वो होगा, सरकार करेगी, ऐसा हम चाहते हैं। सभी बच्चों की तरफ से सब लोग हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे, सरकार से सब लोग हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कीजिए। सरकार हमारी है और हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। और हम लोग प्रधानमंत्री जी का दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, मोदी जी आपको नमस्कार है, लेकिन हम लोगों की बातों को भी सुना जाए, हम भी